वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना। जैसे ही अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करते आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अलाइट मोशन एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करोगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, शेक इफेक्ट और सॉन्ग बीट मार्क, तो दोनों प्रोजेक्ट को आपको इजीली से इंपोर्ट कर देना। एग्जाम्पल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे टेम्पलेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना, लास्ट में अपलोड एग्जाम्पल पे जाना और यहाँ से फाइल ओपन हो जाएगा, तो एग्जाम्पल इंपोर्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट ओपन करना, सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट बाय बॉस एडिट्स। इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये खुलने वाला है, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सॉन्ग वगैरह और लिरिक्स का इस तरीके से मिलेगा, इसके अंदर बीट मार्क मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इधर से स्टार्टिंग में चले आना है, ठीक है। यहाँ पे 5.11 सेकंड पर यहाँ से आपको फोटोज़ ऐड करने होंगे दीपावली वाले। तो फोटोज़ कहाँ से मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा मैं, और या फिर आप लोग पिंटरेस्ट ऐप मिल जाता है प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर देना, उस एप्लीकेशन से ले सकते हो। प्लस पर टैप करके मीडिया पर टैप करना, और यहाँ से मैं फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। फोटो लेने बाद थ्री डॉट पे जाके फिल कंपोजिशन एरिया एंड इसके ड्यूरेशन बीट मार्क तक बढ़ा लेनी। उसके बाद फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे टैप करना, ऐसे फोटो लेना, थ्री डॉट पे जाना, फिल कंपोजिशन एरिया बीट मार्क से कट कर देना, फिर से प्लस पे जाना, मीडिया पे जाना, यहाँ से नेक्स्ट फोटो लेना, थ्री डॉट पे जाना, फिल कंपोजिशन एरिया और पीछे से कट कर लेना। इस तरीके से आपको यहाँ से फोटोज एड करते जाना है, और लास्ट तक जितने भी बीट मार्क होंगे ना उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे फोटोज़ इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ऐड करके आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लास्ट तक सभी फोटो बीट मार्क के अंदर अच्छे तरीके से मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। जितने भी फोटो यहाँ पे लगे हुए सारे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरीके से थोड़ा सा जूम आउट करना इसको, ताकि आपके एडिट करने में आसानी रहेगा, इस तरीके से खुलेगा। अब यहाँ से बैक कर देना आपको, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से जो शेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट होगा ना, इस वाले प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे फर्स्ट वाला जो छोटा फोटो, इस पर टैप करके इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना, कॉपी इफेक्ट कर लेना, यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर चले आना। यहाँ पे आने बाद आपको क्या करना है, आगे की साइड में आना होगा, ठीक है, जहाँ से फोटोज एड करने स्टार्ट करे थे। यहाँ पे आने बाद जितने भी यहाँ पे छोटे फोटोज होंगे ना, उनके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब जिनकी लेयर यहाँ पे छोटी है टाइमिंग, ठीक है, इनके अंदर जाना, इफेक्ट में जाके पेस्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे जितने भी ये वाला फोटोज होंगे उनके अंदर मैं जाके पेस्ट कर लेता हूँ, उस तरीके से इफेक्ट। आप लोग बस ध्यान से देखिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर लेना, और देख लेना जितने भी छोटे फोटो हैं सभी में पेस्ट हो जाए। फिर बैक कर देना, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना। इस बार यहाँ पे यह सेकंड फोटो, इस पर टैप करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पे जाना एंड ऐसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना। अब ये वाला इफेक्ट कौन कौन से फोटो में पेस्ट करना, एक तो स्टार्टिंग में ये वाला जो बड़ा फोटो है इसमें आना, इफेक्ट में आना, थ्री डॉट पर आना, पेस्ट इफेक्ट, और यहाँ से फिर से आगे की साइड में आना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आगे आओगे तो एक और लास्ट में बड़ा वाला फोटोज़ होगा, सबसे लास्ट में, इसमें आना, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट पे आना है, पेस्ट इफेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर बैक कर देना, फिर से यहाँ से शेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना, एंड इस बार क्या करना, ये वाला फोटो का इफेक्ट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। थोड़ा छोटा फोटो है, आप लोग देख पा रहे हो, इस वाला प्रोजेक्ट का कॉपी कर लेना है यहाँ से इफेक्ट। उसके बाद फिर से अपने प्रोजेक्ट में चलना आपको, ठीक है। अब देख लेना इसके अकॉर्डिंग जो वाला फोटो होंगे ना उनके अंदर आपको पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, कौन से फोटो, ये वाला फोटो है इसके अंदर। तो थ्री डॉट पे जाना, पेस्ट इफेक्ट कर लेना, टाइमिंग आप लोग मिलान कर सकते हो, और वीडियो को देखते हुए एडिट कर लेना, ठीक है। आप लोग इस तरीके से इफेक्ट में चले जाना एंड यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा लगा लेना है कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर लग चुके, देख ही पा रहे हो आप लोग। उसके बाद जो फोटो रहे उनके लिए आपको दूसरा इफेक्ट कॉपी कर लेना है। तो उसके लिए अपन चलते हैं, इधर से बैक कर लेना आपको, फिर से आना इधर से शेक इफेक्ट प्रीसेट के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आने बाद ये वाला थोड़ा बड़ा फोटो इसके ऊपर में आना है, थ्री डॉट पे आना, कॉपी पेट कर लेना एंड फिर से चलना है सॉन्ग बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे आने बाद अब आपको मिलान कर लेना है, ठीक है, कौन कौन से फोटो में इफेक्ट बाकी है, इसमें बाकी है, तो यहाँ से पेस्ट करते जाओ कुछ इस तरीके से।
आपको फोटो का लेयर देखना है बस कितना बड़ा है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग पेस्ट कर सकते हो इसके अंदर आके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर से बेक कर देना है यहाँ से, ठीक है। बेक कर देने बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट के अंदर आना, इसके अंदर आने बाद जो लास्ट वाला फोटो है ना इसमें आना, थ्री डॉट पे आना, कॉपी इफेक्ट कर लेना और यहाँ से चले आना फिर से अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आने बाद आपको देख लेना कौन से वाला फोटोज़ में इफेक्ट पेस्ट नहीं किया, तो इसमें आना है, थ्री डॉट पे आना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लास्ट तक सभी के अंदर अपने इफेक्ट पेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ये वाला वीडियो कंप्लीट एडिट कर सकते हो, बाद में एरो पे टेप करके इधर से एक्सपोर्ट कर लेना। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाकी कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।